कई जगह से शिकायतें मिलती हैं जो राशन कार्डधारी हैं कि हमको मात्रा में कम दिया जाता है। तौलने वाला मशीन जो है उसी में लगा रहेगा और तौल के ही दिया जाएगा और हम लोग यहाँ से हेडक्वार्टर से बैठ के उसको देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, कई बार ये बातें सामने आती है कि जो गांव में लोगों को राशन मिलता है वो पूरा नहीं मिल पाता है और जिस तरीके से लगातार उसमें घुसखोरी की बात होती है, अब इसको लेकर एक बात साफ हो गई है। आज कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ है और इसको लेकर बिहार सरकार की मंत्री हैं लेसी सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय उनके पास, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब घुसखोरों की खैर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गाँव में लगातार लोगों को अनाज जो मिलता था उसमें कमी देखी जाती थी। कई लोग ये आरोप लगाते थे कि जो पूरा अनाज नहीं मिलता, जिसको लेकर अब सरकार ने नया एक्शन प्लान लिया है। क्या कुछ कह रही हैं मंत्री लेसी सिंह, पहले आप सुने। उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, पिछले कैबिनेट में ही उसकी स्वीकृति मिली है। अब हम लोग नए तकनीक के माध्यम से जो राशन कार्डधारी को अनाज हम पहुँचाते हैं, उन लोगों की कई तरह की शिकायत रहती थी, तो हम लोगों ने पॉस मशीन के माध्यम से बहुत ही सुधार उसमें किए हैं, नई तकनीक की व्यवस्था लागू किए हैं, जिससे कालाबाजारी और अनियमितता इन सब पर रोक लगा है। इसके बावजूद भी कई जगह से शिकायतें मिलती हैं जो राशन कार्डधारी हैं कि हमको मात्रा में कम दिया जाता है, तौल के कम दिया जाता है, जो पर यूनिट 5 kg मिलता है अनाज, तो उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश के आलोक में कि जो गरीबों को 100% सही मात्रा में अनाज मिले गुणवत्तापूर्ण, इसके लिए वेइंग मशीन जो पॉस मशीन है उसी में वेइंग मशीन तौलने वाला मशीन जो है उसी में लगा रहेगा और तौल के ही दिया जाएगा और हम लोग यहाँ से हेडक्वार्टर से बैठ के उसको देख सकते हैं। तो ये कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिल गई है और अब इसकी प्रक्रिया है, टेंडर होगा, इसमें 2-4 महीना लग सकता है, लेकिन हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि और भी पारदर्शी ढंग से गुणवत्तापूर्ण सही मात्रा में जो गरीब लोग हैं उन तक राशन पहुँचाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को हमेशा से निर्देश प्राप्त है कि जो गरीब लोग हैं वो भूखे नहीं सोए, उनको अच्छे से अनाज मिले, सही मिले, मात्रा में भी मिले, ये हम लोगों का प्रयास है। तो आपने सुना किस तरीके से वेटिंग मशीन भी लगेगा जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यालय करेगा, यानी राजधानी पटना से लोगों को जो खाना मिलेगा, जो अनाज मिलेगा उसकी मॉनिटरिंग होगी और अब इसको लेकर जो काम है वो शुरू हो गया, क्योंकि आज ही कैबिनेट में ये प्रस्ताव जो था वो पारित हो गया है। 3 से 4 महीनों के अंदर जो है ये कार्य शुरू हो जाएगा। देखिए, इसको लेकर लेसी सिंह ने साफ कह दिया है कि अब जो लोगों को कम मिलता था अनाज, अब उन्हें पूरा अनाज मिलेगा और जिस तरीके से लगातार घुसखोरी की बात होती थी कि अनाज जितना बताया जाता था उससे कम मिलता था, तो उसको लेकर भी अब साफ हो गया है कि पूरा अनाज जो है वो लोगों को मिलेगा, जिसको लेकर अब जो मंत्री हैं लेसी सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय उनके पास, उन्होंने साफ कहा है कि इसकी मॉनिटरिंग राजधानी पटना से होगी, मुख्यालय से होगी और तमाम चीज़ों को देखा जाएगा कि क्या लोगों को सही तरीके से अनाज मिल रही है और इसको लेकर जो एक्शन प्लान है उसका भी जिक्र मंत्री लेसी सिंह ने कहा है, किया है और साफ कहा है कि अब लोगों को पूरा अनाज मिलेगा, जो अनाज उनके हित में है वो मिलेगा और उसमें कोई कमी नहीं होगी। जो वेंडर जो लोगों को बांटते थे उसमें जो घुसखोरी करते थे वो अब नहीं होगी और साफ साफ कह दिया है कि अब इसको लेकर एक्शन प्लान तैयार हो गया और आज कैबिनेट से पारित भी हो गया। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।